जय श्री कृष्ण। आज अपन द्वितीय विलास की सामग्री पायस बनावे को देखेंगे। पायस यानी लोगन को होवे कि कौन सी सामग्री होती होगी, क्योंकि ये नयो नाम है। तो एक्चुअल में पायस जो है वो खीर को ही पायस कहो जाए है। पायस ये संस्कृत शब्द है, तो और अपन गुजराती हिंदी ब्रजभाषा वगैरह में याकू खीर कहे हैं। साउथ में भी याकू पायस ही कहो जाए, पायसम जाकू बोले हैं। तो ये पायस अपन बनावे को देखिए। अपन तो बहुत अलग अलग प्रकार से बने हैं, तो अपन देखें जो बेसिक जो अपने यहाँ की रीत की बने हैं पायस या की विधि अपन बनावे को देखें। यहाँ मैंने तपेली में 1 लीटर दूध गर्म करवे के लिए रखे है, और या को अपन को पलटा तो चलाते रहवे को जब तक उबाल नहीं आवे तब तक। और जो अपन ने तपेली ली है वो एकदम अच्छे से खासा करने के बाद कपड़ा से पोछ लेवे की, बिल्कुल भी जल को भाग नहीं रहना चाहिए, एकदम सु कोरी हो जानी चाहिए, सूखी हो जानी चाहिए अपनी तपेली। फिर ये अपन को यहाँ में दूध पधरावे को, और जो पलटा ले रहे हैं वो भी अपन को कपड़ा से पोछ के सूखो कर लेवे को। जल को भाग बिल्कुल भी रहेगा तो आपकी सामग्री जो है वो सकड़ी हो जाएगी। सो या सो अपन ये अन सकड़ी में सिद्ध कर रहे। खीर अपने यहाँ हमेशा अन सकड़ी में ही आवे है, तो ये अन सकड़ी में खीर जो पायस है वो सिद्ध करवे को ये प्रकार है कि जल को स्पर्श कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो दूध में उबाल नहीं आवे तब तक अपन यहाँ को चलाते रह देंगे। अपना दूध यहाँ उबल गया है अच्छे से, तो यहाँ में अपन अब चावल पधरावेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून चावल लिए हैं, सूखे चावल को मैंने कपड़ा से पोंछ लिए हैं। या को अपन को जल में खासा नहीं करवे के हैं, सिर्फ कपड़ा से पोंछ के लिए हैं। 2 टेबल स्पून ये है, और ये आंबामोर चावल है, आप सूरती कोलम या बासमती चावल भी ले सको हो। तो अपन यहाँ में ये पधरावेंगे। चावल की क्वांटिटी ज्यादा रखोगे तो पायस बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी, तो यासु अपन को कम ही लेवे को। अब अपन को दूध में ही चावल को पकवे देवे के हैं, तो याकू बिल्कुल भी छोड़वे को नहीं है, और मीडियम फ्लेम पे याकू चलाते रहवे को है। आप केसरी पायस करना चाहो तो यही स्टेज में केसर को हाथ से क्रश करके या में पधरा सको हो सूखो केसर, या फिर दूध में घोट के भी पधरा सको हो। तो यहाँ पे अपन उबाल रहे हैं कब से, अंदाज से 10 मिनट हो गई है। अपन देख लेवे आपको दाना जो है कैसे चढ़ियो है, तो अपन को यासु पलटा में थोड़ा ले लेवे को और चेक कर लेवे को दबा के। अब ये आधो ही पकियो है, अच्छे से चढ़ियो नहीं है, और या को अपन को उबालना पड़ेगा। उबाल तो अपन को साइड में से भी पलटा सु निकाल लेवे को, जो भी दूध जम जावे हो। अपनो ये चावल को जाना अच्छे से पक गयो है, अपन दबावे तो सरलता से दब के, जैसे अपन भात बनावे वैसे चढ़ जावे। फिर ही अपन को यहाँ में अपन चीनी मिलावे की, यासु पहले जो चीनी मिलाओगे थोड़ो भी चावल को दाना कड़क रहेगा, और अब चीनी मिलाओगे तो ये चावल को दाना कड़क ही रहेगा। सो ये बात को बहुत ही सावधानी यहाँ में रखवे की चावल एकदम से चढ़ जावे, फिर ही चीनी पधरावे की। तो यहाँ में मैं 3/4 कप यानी 1/4 कप चीनी मिला रहे हूँ, और चीनी घुल के उबल जावे तब तक अपन या को 5 से 6 मिनट तक और उबालेंगे। आप देख सको कि दूध उबल के लगभग आधे जितना हो गया है, और चावल भी यहाँ में एकदम सु दिख रहे हैं। पहले अपन को यूँ लगता होएगा कि सिर्फ 2 टेबल स्पून जितने चावल लिए हैं तो फिर बहुत कम रहेंगे, लेकिन खीर में भरपूर चावल दिख रहे हैं क्योंकि ये उबल के फूल जावे हैं। आप अगर ज़्यादा लोगे तो फिर खीर आपकी बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी शीरा जैसे, सो चावल को आप कम ही रखवे को या में। और खीर ये उबल उबल के ही आपको रंग थोड़ो क्रीमिश जैसे हो जावे हैं, केसर भी पधरा सको आप शुरुआत में ही। अब अपनी चीनी अच्छे से घुल गई है और उबल गया है, तो अब अपन गैस बंद कर लेवेंगे, और या में अपन इलायची को पाउडर बदरा देवेंगे। गैस बंद करवे के बाद ही इलायची पाउडर बदरावे को,
और अब याकु अपन एक पात्र में पदरा ले लेंगे। याकु अपन एक पात्र में निकाल लिए हैं। आप देख सको कि याकी कंसिस्टेंसी एकदम सुगाढ़ी है और चावल भी कम नहीं है, एकदम सुभरपूर चावल यहाँ में आपको दिखेंगे। याकु अपन पिस्ता सुसाजेंगे, पिस्ता की कतरन सु। आप यहाँ में बादाम काजू भी पदरा सको हो तो या तरह से अपन ने पायस सिद्ध किया। और पायस कभी भी भोग धरे तो एकदम से ठंडो हो जावे, रूम टेम्परेचर पर आ जावे, फिर ही भोग धरवे को। थोड़ो भी गर्म नहीं रहना चाहिए, ये बात की खास सावधानी रखनी अपने यहाँ कि खीर कभी भी गर्म नहीं धरनी प्रभु को। तो आज अपन ने या प्रकार से पायस बनावे को देखियो। आपने देखियो क्योंकि किस प्रकार से अपने यहाँ अनसकड़ी में खीर बनाई जाए है। सिर्फ यहाँ एक बात को ध्यान रखो क्योंकि जल यहाँ पे नहीं वापरवे को, धोवे को नहीं, जो चावल है या को खासा नहीं करवे को जल सु, नहीं तो अपनी जो सामग्री है वो अन सकड़ी में नहीं रह के सकड़ी हो जाएगी। और पायस यो तो बहुत सारे प्रकार के बने हैं। मैं दावे के साथ यह कह सकूं कि कम से कम 100 प्रकार के पायस अपन खीर बना सके हैं। जैसे कि दूधी में सु बन सके अपन दूधघर की खीर, फिर मखाना में सु भी दूधघर की खीर बना सके अपन, और भी अलग अलग प्रकार से मणका की खीर है, संजावली है जो अपन देखेंगे आगे के वीडियोस में, क्योंकि विलास में एक दिन संजावली भी आवे तो संजाव की खीर भी अपन देखेंगे। तो बहुत सारी प्रकार की खीर बने हैं, देखेंगे अपन आगे और जो भी वीडियोस बनेंगे यहाँ में खीर के प्रकार। तो कल अपन बासुंदी को वीडियो देखेंगे क्योंकि तृतीय विलास में बासुंदी की सामग्री है। तो मिले अपन अगले वीडियोस में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कीजिए, तो आगे के वीडियोस आप देख सकोगे। तो मिले अपन अगले वीडियोस में। जय श्री कृष्णा।